भोलेनाथ की नगरी गोरखपुर। लोग कहते हैं कि अगर गोरखपुर जाते हैं आप तो गोरखनाथ की याद आती है, लेकिन गोरखपुर में ऐसे ऐसे शख्स भी हैं जिसकी परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, आज हमारे बीच में हैं एक ऐसे पत्रकार, आप जटाधारी पत्रकार, अगर देखा जाए तो हम तो पगवाने में जटा दिखता नहीं है, अब इसलिए कोई घटा हम छा नहीं सकते, लेकिन जटा भी है और घटा भी है, आज दोनों में हम लोग चर्चा करते हैं। और कैसे मन में आया, कई बार जेल जा चुके हैं, जेल जाने वाला पत्रकार कैसे बन गया, ये भी एक अलग है। पहले तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, ज़बरदस्त समर्थक हूँ आपका और आपके चैनल का। आप जिस तरह से काम करते हैं वो बहुत शानदार है और निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाने वाले हैं। हम लोग नहीं, आप जो देश में कॉरपोरेट मीडिया है, नेशनल मीडिया है, और वो तमाम पत्रकार जो इस समय देश में पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ गुलामी कर रहे हैं, कुछ वो लोग जो खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, उनसे आप बहुत ऊपर हैं और बहुत आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं बहुत आपके साथ। क्या बात है, देखिए भैया, मैंने कहा ना कि भोलेनाथ की नगरी गोरखनाथ की नगरी है और गोरखनाथ के नगरी में ऐसे ऐसे शख्स भी है। अगर सर मैं शुरुआत करूँगा, जिस तरह से आपकी जर्नी रही या आपके बारे में स्टडी किया गया तो पता चला कि आप कई बार जेल जा चुके हैं, और जेल जाने वाला एक अपराधी होता है, मैं सीधा कह दूँ, जेल जाने वाला एक अपराधी ही होता है, वो जेल जाए, लेकिन आप क्यों जेल गए, मैं ये जानना चाहता हूँ। जेल जाने वाला निश्चित रूप से अपराधी होता है और कानून की नज़र में हर अपराधी ही जेल जाता है, और ये तो आपको तय करना रहता है कि आप जेल किस तरह से, जेल बहुत तरीके से लोग जाते हैं, राजनीतिक बंदी, आंदोलनों में। तो जब आप मेरी जर्नी ये आप जो देख रहे हैं माइक पकड़ने वाली, तो माइक पकड़ते हुए मुझे बस एक साल हुआ, महज एक साल पहले हमने माइक पकड़ा, प्रमोशन हुआ, ये हमारी एक रोजी रोटी का साधन है, कुछ पैसे मिल जाते हैं विज्ञापन के माध्यम से, कुछ यूट्यूब फेसबुक कुछ पैसा दे देता है, वो तो होता रहता, वो हमारी जर्नी का पार्ट है। उससे पहले मैं एक्टिविज्म की दुनिया में था, सामाजिक कार्यकर्ता था, देश भर में अन्ना आंदोलन से हमारे जीवन की शुरुआत हुई, अन्ना आंदोलन में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो अन्ना आंदोलन आ गया, अन्ना जी आ गए और कहे अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी, हमने भी मान लिया कि आप उस जमाने के जेलर हैं। नहीं, जिस जमाने में अन्ना जी, मतलब अन्ना जी वाले में कह रहा है, तो अन्ना जी के साथ रहने वाले, तो अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, बस वहीं से शुरुआत हो गई, अन्ना आंदोलन में लग गए, फिर उसके बाद से साथ साथ फिर केजरीवाल जी की पार्टी आ गई, फिर ये तमाम चीजें हो गई, फिर देश में जहां भी कुछ होता था, जैसे मान लीजिए कि गोरखपुर में कुछ हुआ तो गोरखपुर में धरने पे बैठ गए। अब पुलिस का ये काम होता है कि जो अराजक तत्व है, धरने पे बैठने वाला कौन होता है, सरकार के खिलाफ काम करता है ना वो आदमी, सरकार के खिलाफ। अभी भी आप, अभी मान लीजिए कि अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, अभी इससे पहले एक प्रकरण हुआ, उसमें नोटिस भेज देते हैं लोग, तो नोटिस देखना और शांति भंग और तमाम धाराएं, ये सब आम बातें हो जाती है भैया। आम अपराधी नहीं है हम तो भैया, गांधी हैं, अगर देखा जाए तो गांधी भी कई बार, मतलब गांधी के राह पे चलने वाले हैं, मैं गांधी नहीं कह रहा, लेकिन गांधी जैसे गांधी का जो चरणों का धूल होता है ना, उस धूल का एक, नहीं ठीक है, एक आध गांधी जी को मैंने नहीं देखा, एक आध गांधी जी को मैंने नहीं देखा आंदोलन करते हुए, सिर्फ इतिहास के पन्नों में मैंने पढ़ा, और आप जैसे लोगों को मैंने देखा, आप मेरे सामने साक्षात तो गांधी है, मैं सीधा जानता हूं। दूसरी चीज, गांधी नहीं है अपराधी, नहीं है गांधी थे, गांधी कई बार आंदोलन करते करते वो भी जेल गए थे, तो अपराधी नहीं थे, हत्यारा नहीं थे, कोई हत्यारा थे नहीं, नहीं। तो आप गांधी पे दुनिया भर में करोड़ों किताबें छपी हैं, उन करोड़ों किताबों में करोड़ों अरबों पन्ने हैं, उन पन्नों में से एक हिस्सा की एक लाइन का एक शब्द हूं मैं, और गांधी के बारे में, गांधी है ना एक शब्द है ना, हाँ गांधी आप स्वीकार करते हैं ना कि मैं एक पन्ने का एक शब्द हूँ, गांधी पे वही तो है, करोड़ों किताबें छपी है, उसमें अरबों पन्ने हैं, उस अरबों पन्नों का एक शब्द है ना, वो मान सकता हूं मैं खुद को, सत्य अहिंसा परमो धर्म, ऐसा कुछ इस गांधी जी ने कहा था, तो आप सत्य गांधी को समझने वाले लोग कहां है सर, गांधी को भारत में नहीं समझा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, आपके दर्शक नहीं जान रहे होंगे, हो सकता है गांधी को जो समझने वाले जान रहे होंगे, गांधी यहां नोट पे हैं, गांधी यहां वोट पे हैं, गांधी कोर्ट में है, लेकिन लोग क्या बात कर, गांधी समझ कहां है, गांधी एक बार रिप्लाई भूल जाऊंगा मैं, गांधी वोट में है, गांधी नोट में है, गांधी कोर्ट
कोर्ट में है, हर जगह, अरे वाह, क्या हर जगह गांधी आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप यहाँ की कोर्ट में जाएंगे, भारत की कोर्ट में जाएंगे, तो आप पे गीता पे हाथ रखाए जाते हैं, कुरान पे, बाइबल पे। लेकिन जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे ना, भारत देश नहीं है वो, साउथ अफ्रीका जाएंगे ना, तो एक पुतले के सामने खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है इस पुतले के सामने खड़े हो और इस पुतले के सामने बोलो तुम जो बोल रहे हो, सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। वो पुतला गांधी का होता है। ये इज्जत है हमारे महात्मा गांधी की। आज के युवा गांधी को समझ नहीं पाते हैं। और जेल जाना, मुकदमे होना, बातों को करना, ये सच को दबाने वाली चीज़ें हैं। हम जैसे गवर्नमेंटेड तो लोग हो नहीं, जैसे तमाम देश में पार्टियां हैं। आप अगर इस पार्टी, अगर आप आज के समय में सत्ता से सवाल पूछ दीजिए, सत्य तो लोगे लगेगा कि हम कांग्रेसी हो गए, हम सपाई हो गए, हम बसपाई हो गए। अगर आप उनके समय में पूछ दीजिए तो लगेगा कि हम भाजपाई हो गए। योगी बाबा के नगरी में हैं आप। हाँ, योगी बाबा के नगरी में। योगी बाबा से डर नहीं लगता है? क्यों डरेंगे भाई हम योगी जी से? योगी जी डरने वाली चीज है, भूत है योगी जी, भूत है। वैसे अगर देखा जाए तो आप ऐसे ही खूंखार है कि नहीं? खूंखार नहीं, मतलब इस तरह से बॉडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो खूंखार अपराधी है, और वो अपराधी नहीं है जिस तरह से लोगों को सोचते हैं। आप बच्चा भी नहीं डरता है? नहीं डरता है। लेकिन ये जटा ओटा रखने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? गांधी जी तो जटा नहीं रखते थे। गांधी जी का, गांधी जी जो करते थे वो मेरे करने के में ही नहीं है। और जटा जो है ये एक शौक का पार्ट है। हम प्राकृतिक चिकित्सा से पढ़ाई कर रहे हैं थे, तो उसमें बताया गया कि केश विज्ञान के बारे में, बाल को अगर आप मोड़ देते हैं तो जटाएं इकट्ठी हो जाती हैं, बाल कम टूटते हैं। हमने सोचा इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं, बस और कुछ अरे वाह विशेष नहीं है। तो हमने 2-3 साल से, 4 साल से बाल नहीं कटवाया, और नहाते मतलब बाल से नहीं नहाते हैं तो बाल चिपक जाते हैं, बस ऐसा ही कुछ होता है। अच्छा, तो इसको रखने से कोई दिक्कत नहीं होता है? कितना बड़ा बड़ा हो गया, जैसे हमारी बहन सामने खड़ी है, उसके भी तो बड़े बाल है, हमारे भी बड़े बाल है, इसमें क्या दिक्कत है? अब उसके 1-2 लाख है, मेरे 19-20 है। कितना बड़ा होगा ये आपका जटा? कितना बड़ा? यहीं तक है सर, यहीं तक। अच्छा, खुलवा नहीं सकते? खुलवा देंगे तो अपराध होगा? नहीं नहीं, अपराध नहीं होगा, लेकिन बांधने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब खोलते नहीं? अरे मैं सलमान टी शर्ट निकालती हूँ। सलमान खान से कम भी कहा है ये? नहीं, सलमान खान क्यों, आप क्यों संभाल? सलमान खान असल में मैंने क्या है, क्या है सलमान असल में? टी शर्ट वो हर जगह? नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है। वो नंगे पुंगे की कहानी मत बताइए हमें, और उन जैसे लोगों के साथ चर्चियों का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता है, ठीक है ना? सलमान खान में, अक्षय कुमार में, इन लोगों का नाम मैं लेना ही नहीं चाहता। इसलिए ये लोग केसर वाले हैं, 5 रुपए में केसर खिला देंगे, और ये नहीं पता होगा कि केसर, आप भी जानते हैं कि कितना महंगा केसर मिलता है, और केसर के हिसाब में अगर देखा जाए तो हमारे और आपके बीच में जहर बोया जा रहा है। कभी अपने बच्चे को बोलेंगे ये? नहीं, देखिए ये लोग विज्ञापन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में है, विज्ञापन से इन लोगों के जीवन चलता है। अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी। बॉलीवुड में अच्छे भी लोग हैं, ऐसा है, वही मैंने कह रहा हूं, अच्छे लोग पैसे के लिए। अब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी कर जाऊं। हां हां, पैसे के लिए बहुत कुछ करना। चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए पत्रकारिता एक सत्र से करने लगे, एक सत्र से आप पत्रकार बन गए, और एक अलग अंदाज के पत्रकार हैं गोरखपुर में, जहाँ देखा जाए कि योगी बाबा की नगरी है। लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो योगी बाबा का बुलडोजर चल गया, तो आप कहीं बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं कि योगी बाबा का बुलडोजर? देखिए, पत्रकारिता मैं खुद को अभी पत्रकार मानने से परहेज करता हूँ। मैं अभी अपने नाम के नीचे एक्टिविस्ट ही लिखता हूँ। मैं अपने एक्टिविस्ट का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मानता हहूँ कि हमारा प्रमोटिव पार्ट है, हमारे 3-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं उसको, चीज़ें पसंद करते हैं, सच बोलना जानता हूँ। अगर सच बोलने से बुलडोजर अगर घर पर चल जाता है तो ठीक है, देखा जाएगा। मतलब को आप अपना घर दे देंगे, कितने लोगों के घर पर बुलडोजर चलेगा? और हमारे योगी जी ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक दिल आदमी हैं, और बहुत प्रदेश में काम कर रहे हैं। इससे पहले वाले मुख्यमंत्री भी बहुत अच्छे थे, और उत्तर प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री आए सब अच्छे थे, देश के सारे लोग अच्छे, सब लोग अपना अपना, सबका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जिस तरह से समाज की सेवा करते करते आप पत्रकार कैसे बन गए, क्यों पत्रकार? मैंने कहा ना कि अभी भी हम जो है खुद को पत्रकार मानने से परहेज करते, अखबार का एक संपादक हो गया हूँ लेकिन पत्रकार कहने से परहेज करता हूँ। परहेज इसलिए करता हूँ कि समाज में हमसे भी बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। मेरा काम था
पहले भी समाज के लिए जागरूकता फैलाना, समाज के लिए काम करना, अभी भी मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ। आज मैं देवरिया, कुशीनगर तमाम जगहों से होके आ रहा हूँ, आपसे शाम में मिला हूँ, तो मैंने वही चीज़ें उठाई हैं जो चीज़ें वाकई में समाज को दिखाना ज़रूरी था। अभी भी मैं वही बातें अपने स्टेज पर या अपने अंदर गए होंगे, वहाँ भी मैं वही बातें करता हूँ जो चीज़ें लोग देखें और उनके अंदर थोड़ा सा भी बदलाव आए। अगर एक आदमी भी, अगर मैं कमेंट पढ़ने में सोशल मीडिया से, आप विश्वास मानिए मैं बहुत व्हाट्सअप देखता भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं एकाध कमेंट अगर पढ़ता हूँ और उसमें कहता है कोई भी किस इंसान कह देता है कि गुड, बहुत अच्छा, आपसे मैं सीखता हूँ, तो मुझे लगता है यार एक आदमी को तो सिखा पाया मैं, एक आदमी तो मेरी वजह से गुड कहा, उसको एक आदमी के लिए तो अच्छा लगा, कोई तो कहा कि यार तुम इसके विरोध में बोल रहे हो, तो कोई तो कहा तुम निडर हो, तुमको डर नहीं लगता है, कोई तो कहा कि आपके घर बुलडोजर चल सकता है। बाकी तो देखिए सब ऊपर वाले की रहमत है, किस्मत क्या है, बुलडोजर घर पे चलना होगा, फांसी होनी होगी, हो जाएगा, सत बोलने से कौन रुकेगा। हमारे पूर्वज भगत सिंह 23 साल में शहीद हो गए, गांधी जी लड़ते लड़ते चले गए, गोली खा गए, गोली मारने वाले को आज लोग, कई लोग हीरो बताने लगते हैं, तमाम ऐसी कहानियां हैं। तो हम भी उन्हीं पूर्वजों के रास्ते पे, भैया देख रहे हैं, ये एक अलग मिसाल है और एक मिसाइल हुआ करती थी, ये मिसाल है और मिसाइल भी थे, लेकिन अब मिसाल बन गए, पहले मिसाइल थे अब मिसाल बन गए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। जिस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, कल भी सेवा करते थे, आज भी सेवा कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम समाज में आए हैं तो सिर्फ समाज को अन्न देकर ही सेवा कर सकते हैं, समाज को हम कपड़ा देकर ही सेवा कर, कहीं ना कहीं हम आवाज़ उठाकर भी सेवा दे सकते हैं। मेरे आवाज़ उठाने से अगर चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे अभी मैं एक छत्तीसगढ़ का मामला जानता हूँ, छत्तीसगढ़ का एक बच्ची थी, उसके पिताजी को उस कबाड़ वबाड़ चुनने जाती थी, वो अपने पिताजी के लिए, उसके पिताजी को जेल में डाल दिया गया। मेरे पास वो वीडियो आया उसका वायरल, मैंने उस पर वीडियो किया, लगभग उसको 5 मिलियन से ज़्यादा लोग देखे। फिर वहाँ पे के कलेक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि आपने ये किया है, मैंने आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए और वहाँ पे ये मैंने उसका काम कर दिया। उस बच्ची का भी मेरे पास फ़ोन आया, ना तो मैं उस बच्ची को जानता था ना मैं वहाँ के कलेक्टर को जानता था, लेकिन ये दोनों चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण थी मेरे लिए कि बताइए, मेरे पास तो एक व्हाट्सअप पर वायरल वीडियो आया था, मैंने उस पर बात की, खबर जुटाई, बात की वहां के लोगों से और मैंने उस पर 4 मिनट का वीडियो कर दिया। अगर मेरे 4 मिनट के वीडियो करने से अगर बड़ा बदलाव आ सकता है तो ऐसी अनेकों कहानियां देखी जाती है, सुनी जाती हैं। और अगर वो बदलाव छोटा सा ही बदलाव, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़े चैनल का बहुत बड़ा एंकर हूं कि आज बोलूंगा और रातों रात चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन मैं छोटा छोटा, नाली नहीं बन रहा है किसी का, तो अगर हो सकता है बोल दूँ तो कोई पार्षद नाली बना दे, हो सकता है मैं किसी जिले में जाऊँ किसी व्यक्ति को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तो मेरे बोलने से मिल जाए, मैं रवीश कुमार जी जैसा पत्रकार नहीं हूं कि लाखों लोगों को नौकरियां दे दूं, मैं अंजना ओम कश्यप जैसा पत्रकार नहीं हूं जो बैठ जाऊं स्टूडियो में और बड़े बड़े देश के तमाम लोगों से बातें करूं और उस पर डिस्कस कर पाऊं, मैं अमीश देवगन जैसा नहीं हूं, मैं बहुत साधारण सा बहुत छोटा आदमी हूं और बहुत कम लोग अभी मुझे जानते हैं, 2-4 लोग जानते हैं और उन्हीं में से कुछ बातें करता रहता हूं, चर्चा करता रहता हूं, कोई मेरी बातें सुन लेता है तो कोई मजाक उड़ा देता है। अंजना ओम कश्यप बनना भी नहीं है और रवीश कुमार बनना नहीं है, वो लोग बड़े लोग हैं, मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो बहुत बड़े लोग हैं, देश का एक बहुत बड़ा चेहरा है और वो लोग चाहें तो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, हम लोग तो मतलब बहुत छोटे हैं और चीजें, लेकिन एक आप चीज और समझ लीजिए, जो वायरल वीडियो चलाते हैं ना, आप जैसे हमारे जैसे और तमाम उन लोगों जैसे वायरल वीडियो चलाते हैं जो हमारे और आप, न तो जमीन पे कभी अंजना ओम कश्यप को ला दीजिए, जितेंद्र गुलाम बन जाएगा, क्या समझ रहे हैं? मैं इस पे कोई नहीं, सच्चाई है, मेरा वीडियो वायरल लोग चलाते हैं, आप जैसे लोगों का वीडियो वायरल चलाते हैं, यहाँ ये हो गया है वो हो गया, कहे ना यहाँ की जमीन पे दिखा देते हैं, दिखाने वाला है कोई? अब देखिए वो लोग, मैंने कहा ना कि बहुत बड़े इस घराने के लोग हैं और बहुत ज्यादा लोग उन्हें देखते हैं, चलिए वो तो अलग बात है, देखना ना देखना क्या, लेकिन ये भी समझ लीजिए, अपना भी उठा के देख लीजिएगा, उनका भी उठा के देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा कि कितना है। मैं भी देखता हूँ लल्लन टॉप से लेके आज तक से लेके सबका देखता हूँ और अपना भी कंपेयर करता हूँ तो सारी पत्रकारिता को कटघरे में मत खड़ा कीजिए, तो सारे लोगों की दुकान चल रही है, हम लोग काम कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी ना, दुकान देखिए, दुकान चलाना है और एक बदलाव लाना है, नहीं जैसे आपने कहा ना कि मेरे बोलने से छात्रवृत्ति मिल जाए, देखिए मैं दुकान चलाने नहीं आ रहा हूँ, अब आ गई बात ना, क्यों तब कर आ गई बात ना, अब नहीं मैं बता रहा हूँ कि मैं दुकान चलाने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं उन तमाम दुकानों से परहेज भी नहीं रखता हूँ जो दुकान खोल के रखे हैं, आखिर बड़े बड़े
दुकानदारों की दुकानदारी कैसे होगी अगर हम चीज़ें उनके खिलाफ बोलने लगेंगे। हम उनके दुकान के नीचे हैं, हम जैसे कि अपनी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे कि आप कभी किसी मेले में चले जाइए, ठीक है, तो मेले में झूले वाला दिखाई देगा, बड़े झूले वाला दिखाई देगा, छोटे झूले वाला दिखाई देगा, लेकिन उसी मेले में कोई आदमी लंगर भी चला रहा होगा, उसी मेले में कोई आदमी ऐसा होगा जो वजन तोलने वाली मशीन रखा होगा, उसी मेले में कोई आदमी फ्री की सलाह भी दे रहा होगा, कोई आदमी अखबार का पर्चे भी बांट रहा होगा। हम वो हैं हम वो हैं और हम ये जानते हैं कि हो सकता है कि हमारे पर्चे बांटने से, हो सकता है हमारे लंगर चलाने से कोई भूखा ना सोए, हो सकता है हमारे पर्चे मतलब पत्रकारिता को उसी, वो बहुत बड़ी दुकानें हैं, उनके हम लोग उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। लास्ट में चलते चलते हम लोग समाज के ऊपर जिस तरह बड़े कार्य कर रहे हैं, तो समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समाज को मेरी हैसियत नहीं है, समाज नहीं, को संदेश नहीं, हैसियत की बात नहीं है। जहाँ देखा जाए बेरोजगारी से मुद्दे की अब बात कर लेते हैं, बेरोजगारी से लोग जान देते रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं माँ बाप का एक सपना लेकर, लेकिन कहीं वो सपना नहीं पूरा हो रहा है तो लोग ट्रेन तक फूंक दे रहे हैं, अपने आप को आत्महत्या कर दे रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों से कहूँगा कि वो आत्मसंयम बनाए रखें, और दूसरा कि हमने देश के प्रधानमंत्री अगर आपको देखें तो समझें कि प्रधानमंत्री जी हमने आपको वोट दिया था और ये सोचा था कि आप देश में एक बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, लेकिन आप जो है खड़े नहीं उतर पाए। आप कि सरकार बहुत बढ़िया काम नहीं कर रही है। बढ़िया काम इसलिए नहीं कर रही है कि युवाओं को लाठी उठानी पड़ रही है, युवाओं को ट्रेन जलाना पड़ रहा है, भले वो दंगाई हो, लेकिन रोजगार के नाम पर जो स्थिति है वो बहुत भयानक है। और ये इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। लाल किले से आप जो भी कहिए हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन रोजगार पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जरूरी है। चलिए, आपने समाज को एक अलग आईना दिखाया, जिस तरह से प्रधानमंत्री सभी हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे और आपके बीच में पैदा हुए हैं 2010 के बाद सभी लोग जानने लगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी कौन था कोई नहीं जानता था, हकीकत है कि नहीं है? मैं जानता था उनको 2002 नहीं से दो जानते से थे, लेकिन भारत का जो एक एक बच्चा जानता है तो 2010 के बाद जानता है। वो एक ब्रांडिंग का खेल होता है कि आज सही बात है कि अब रास्ते में किसी भी, हम लोग खुद जाते हैं तो किसी, अभी हमारे सहयोगी हैं वो उनके साथ में जा रहा था तो एक लड़का मिला, तो वो कहा, हमने उससे पूछा इंदिरा गांधी को जानते हो, तो कहा नहीं, हमके योगी मोदी जानते, कहा हाँ। तो योगी मोदी लोगों को एक लगता है कि वो योगी मोदी एक हैं, और निश्चित रूप से वो लोग एक लगते भी हैं। और ब्रांडिंग का जो खेल है वो निश्चित रूप से पीआर बहुत बढ़िया उनका काम करता है, और इसी वजह से यही कारण है कि उनको सब लोग जानते हैं, जगह जगह जानते हैं। हाँ, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। आज मैं था एक ऐसे पत्रकार के साथ, देख सकते हैं खूंखार खूंखार पत्रकार के साथ था, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, मैं वो मत समझिए, पत्रकारिता आप करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी देखता हूँ, और देख के मैं ही आपको पहले फ़ोन किया था, आप नहीं फ़ोन किए थे, ठीक है ना? आप भले ही मेरे बहुत बड़े फैन हो, लेकिन मैं सबसे बड़ा फैन आपका हूँ, और मैं फ़ोन किया था पहले, कहिए कि गलत है कि सच्चाई है? नहीं नहीं, मैं कॉल किया था, मैं आपसे मिलने के बेताब हुआ, आप नहीं मिले। इश्क तो दोनों तरफ थी, आग दोनों तरफ थी, लेकिन भाई बुझाना तो हम चाहे कि मिल के बुझा लिया जाए, और आज हम लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। और आज जितेंद्र दिव्यांग के चैनल पे आपको कैसा लग रहा है ये जरूर? बहुत शानदार लग रहा है, गर्व हो रहा है कि हमारा एक इंटरव्यू देश का पहला दिव्यांग व्यक्ति कर रहा है। हम देश के बहुत बड़े मीडिया घरानों में गए हैं, काम किए हैं, देखे हैं, उनके साथ रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा मुझे तब नहीं लगा जब देश के में तमाम बड़े स्टूडियो में बैठा करता था। आज मुझे इतना अच्छा लगा कि एक गोया की माइक से देश का बड़ा व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति मेरा पत्रकारिता मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ये मतलब मेरे लिए भावुक कर देने वाला क्षण है। बहुत शानदार, चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, आपने समय दिया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।